मामला जो है घटना दिनांक 3/9/2010 की रात की 10:30 बजे के बीच की है, जो दानीपुरा क्षेत्र की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दानीपुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा झगड़ा करने पर आमादा हो रहे हैं, वो दंगा फसाद कर रहे हैं, जिस पर पुलिस बल जो है दानीपुरा क्षेत्र रतलाम में गया था और उन्होंने सबको समझाने की भी कोशिश करी, खदेड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जो है दंगाई लोगों ने पुलिस बल पर भी हमला किया और वह क्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के लोगों को भी बहुत भयभीत किया था और वहाँ की गाड़ी टू व्हीलर गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी सब जलाई थी, आगजनी घटना करी थी। सभी जो आरोपी जो है उनके पास हथियार थे, तलवार थी, लट थे, छुरे थे, सभी के पास थी उस प्रकार से। और जब पुलिस बल ने उनको खदेड़ने की कोशिश करी तो इन लोगों ने पुलिस बल पर भी पथराव किया और उनके साथ ही मारपीट करी, जिससे और पुलिस की जो गाड़ियां थी उनके वाहन को भी फूंका, उन्होंने आग लगा दी और जिसमें बहुत से पुलिस बल जो थे, जवान थे, जो भी अधिकारी थे, वो उसमें घायल भी हुए। उसके पश्चात इसकी जो है स्टेशन रोड पर इस पर FIR दर्ज की गई, जो धारा 147, 148, 149 और 427, 435, 332 और 353 में FIR 25 आम सेक्शन में दर्ज की गई और आरोपी की धरपकड़ चालू करी, जिसमें से 38 आरोपी को पकड़ा गया। और आज जो है तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा आज सन 2010 के जो दंगा हुआ था और रतलाम शहर में जो कर्फ्यू हुआ था, 7-8 दिन का कर्फ्यू लगा था, उसमें आज फैसला सुनाते हुए श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें सभी आरोपी गण को 5-5 वर्ष का कारावास, ससम कारावास की सज़ा सुनाई गई है और अन्य अनेक अनेक धारा में अनेक अनेक जो है सज़ा सुनाई गई है, 6,000 और 7,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 2010 का मामला था और आज 12 साल बाद ये फैसला आया है। आज तक में चलाओ इसको और ये भाईजान का सामान है, एक काम को दे दो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।